So welcome to a brand new episode of TG Talks. Before I begin, मैं आज का एपिसोड शुरू करूँ, I want to ask you, all of you, आपका पैशन क्या है? अब ये सवाल जो है ना, इसका कोई आंसर नहीं है. I know 18-19 साल के लड़के या लड़कियाँ जिनको एग्जैक्टली पता उन्हें लाइफ में क्या करना है, और मैं 45 साल के लड़कों को भी जानता हूँ या मेन को जानता हूँ जिन्हें अभी तक नहीं पता उन्हें क्या करना है. इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्ट टेक यू थ्रू अ जर्नी. जर्नी वो कि जब आपको रियलाइज़ कराएगी, कि आपको जब भी रियलाइज़ हो जाए कि आपका पैशन क्या है, बस हथौड़ा मार दो, उसको आगे बढ़ो. अब क्या होगा, जब आपको अपना रियलाइज़ हो जाएगा आपका पैशन क्या है, तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे. ऑब्स्टिकल्स के साथ साथ क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, करूँ तो क्या करूँ, उसकी क्या राय. बिकॉज जब आपको पैशन मिल जाएगा ना, आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा. और मैं इतने लड़कों से रोज़ मिलता हूँ जिनका पैशन फिटनेस है, बट कईयों को बड़ी आसानी से पता लग जाता है, अरे मेरे को तो जिम जाना है, मेरा पैशन फिटनेस है. लेकिन कईयों को कई मेहनत करने के बाद, कई जॉब्स करने के बाद, कई मेहनत मशक्क़त करने के बाद उन्हें पता लगता है उनका पैशन फिटनेस है. इस वीडियो के थ्रू एक सिंपल मैसेज है, अगर आपको पता लग जाए कि आपको इसी इंडस्ट्री में अपना मार्क बनाना है, पेरेंट्स की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, बस जो करना है कर डालिए. और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है. आई हैव अ बॉय जो मेरे साथ बैठे हैं. पहली बात, उनका आज बर्थडे. आई थिंक उनसे सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट क्या होगा कि यू नो आई वॉन्ट टू गिफ्ट हिम दिस एक इंटरव्यू. और इंटरव्यू के साथ साथ आई हैव अ सरप्राइज फ्रॉम डायमेटाइज 1-to-1 वर्ल्ड एक्सपोर्ट. अगर आपने टीजी कनेक्ट अटेंड किया था 5th of January को, तो आपको पता है, यू नो देर माई फ्रेंड्स एंड देर इंडिया इज लीडिंग इम्पोर्टर ऑफ सप्लीमेंट गुड्स विच इंक्लूड्स रॉनी कॉलमैन, वाइट स्ट्रॉन्ग एंड डायमेटाइज. तो उन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट भिजवाया इनके लिए जो मैं इनको दूंगा, विच इज़ अ प्री वर्कआउट. तो वो बर्थडे गिफ्ट ये इंटरव्यू है, जिसमें वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि यार एक इंजीनियर के बाद वो घर छोड़ देता है, छोटे शहर से बाहर आता है, दिल्ली में आता है, दिल्ली में कॉल सेंटर की जॉब्स करता है, हर तरीके की जॉब करता है, फिर उसको अपना पैशन मिल जाता है फिटनेस, लेकिन वो फिटनेस में फुल फ्लेज नहीं जा पाता बिकॉज उसको अपना यू नो सप्लीमेंट का खर्चा निकालना है, फिटनेस का खर्चा निकालना है. बट ही इज़ वेरी कीन टू मेक अ करियर इन दिस. व्हाई? बिकॉज ये तो फ्यूचर है, राइट? तो आई एम वेरी वेरी प्लीज टू अनाउंस राहुल. सो वैसे कैसे राहुल भाई? सो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आई वांट टू थैंक यू कि यार तुम आए यहाँ पे. इट्स लेट, काफ़ी लेट है गाइस, ये मैं टाइम नहीं बताऊँगा, बट इट्स वेरी लेट इन द नाइट तुम यहाँ पे हो. तो कैसा लगा, कितने साल के हो गए आज तुम? 28. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, मुझे बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी रही है, लाइफ की क्या जर्नी रही है? बिकॉज यू नो ये यूथ का चैनल, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट यू. यू आर द वॉइस, तुम एक आवाज़ हो यूथ की, बिकॉज यू आर लिविंग इट. फिटनेस इंडस्ट्री में क्या करने का तुम्हें लाइफ में? फिटनेस इंडस्ट्री में मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, और उसके अलावा मेरे को अपना कुछ करना है ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट फिटनेस बट इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल एज वेल अबाउट फिटनेस एंड मेकिंग अ करियर इन टू दैट. तो उसमें बेसिकली आप ये कर सकते हो, मैंने जो सोचा, मेरा जो ड्रीम है, नेक्स्ट 5 years के अंदर मेरी अपनी खुद की जिम चेन प्लस हेल्थ कैफेज, हेल्दी फूड. कैसे करोगे ऐसे 5 साल के? बिकॉज मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास भी कोई रोड मैप होगा. तुम 28 के हो, तुम्हारा आज बर्थडे, तुमने कुछ प्लान करा होगा लाइफ में, अच्छा मैं 30 में ऐसा करूँगा, 32 में, लड़के करते हैं राइट? तो तुमने कैसे प्लान करा, कैसे करोगे ये सब? मैं फिटनेस के साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहा हूँ. एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसके अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ. और वहीं ये जॉब, पहले बताओ ये जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पसंद है ये जॉब? सही है, मेनली अपना डाइट का और सप्लीमेंटेशन का और जिम का खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि तो तुम ये जॉब, एक मिनट तुम्हें काटो, तुम ये जॉब इसलिए करो तुम्हारा खर्चा निकले, यू डोंट हैव नथिंग, मतलब तुम्हें अगर मैं कहूँगा कि जॉब छोड़ दो, छोड़ दोगे फिटनेस की जॉब के लिए, करेक्ट? हाँ, मैं छोड़ दूंगा अगर मेरे को फिटनेस के अंदर कोई जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यही है मेरी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम. तो इससे तुम्हारे को जो पैसा मिलता है वो तुम अपने उस पर लगा देते हो. Exactly. क्या खर्चा वैसे यूजली, क्या खर्चा क्या होता है तुम्हारा? खर्चा मेनली 12,000-15,000 पर मंथ. किस चीज़ पे लगाते हैं? सप्लीमेंट्स, और उसके अलावा चिकन होता है, एग्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्वीट पोटैटोज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब में टोटल मिला के ये खर्चा हो जाता है, प्लस रेंट, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में एक छोटा सा भी आप कमरा लोगे तो 8-10 हज़ार उसका रेंट चला जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड बाइक सजाना आना, तो पेट्रोल का खर्चा टोटल. तो टेक्निकली नो सेविंग्स, कोई सेविंग्स हैं तुम्हारी? नहीं है? हाँ करता हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग्स करता हूँ. करते हो?
तुम कहाँ से रहने वाले कहाँ के? बिकॉज यू नो राहुल, मैं चाहता हूँ कि सारे जो तुम्हें देख रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू ऑन योर बर्थडे टू इंस्पायर दम. क्योंकि तुम कहाँ से, छोटे शहर से आ रहे हो राइट? कहाँ से आ रहे हो? मेरठ से, यूपी के अंदर है और दिल्ली से 70-75 किलोमीटर्स दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है. तो वहाँ के, और तुम्हारे व्हाट्स योर बैकग्राउंड, तुम्हारे पेरेंट्स की क्या बैकग्राउंड है? मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, उनका खुद का क्लिनिक है मेरठ के अंदर, और मेरी मॉम एक टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर. और मैंने जो है अपनी पढ़ाई सारी, ग्रेजुएशन और 12th 10th सब मेरठ से की है. मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर. लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिली. 2014 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद मैंने 5-6 महीने 7-8 महीने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल मैंने सर्च करी जॉब अपने पर्टिकुलर फील्ड में, नहीं मिली. तो कुछ ना करने से बेटर है. मैंने गोल्ड जिम के अंदर जॉब सर्च करते करते भी अपने, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, 6-7 महीने मैंने वहाँ पर एज अ ट्रेनर भी जॉब करी. प्लस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरठ में रहकर ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाने की है. तो सबसे पास जो बड़ी सिटी थी वो थी दिल्ली, दिल्ली NCR. तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिटनेस के अंदर भी, और जॉब के बात करूँ तो उसके अंदर भी. तो मैंने वहाँ पर आके जॉब सर्च करी और जॉब नहीं मिली मेरे को. तो फिर मेरे को किसी ने कंसल्टेंसी के बारे में कंसल्ट किया, और मैंने ऑनलाइन भी, जैसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ से भी सर्च किया. तो मेरे को कंसल्टेंसीज का कुछ नंबर मिला, कुछ कंसल्टेंसीज का. मैं गया वहाँ पर, मैंने अपना रिज्यूमे दिया और उन्होंने मेरे लिए इंटरव्यूज अलाइन कराए. तो शुरू में, स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने कभी आज तक इंटरव्यूज दिए नहीं थे, तो हेजिटेशन होती है, सभी को ही होती है जो भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज देता है. तो पहला इंटरव्यू ये भी है, हेजिटेशन हो रही है क्या? इसमें हेजिटेशन नहीं है. गुड, अब इतने इंटरव्यूज दे चुका हूँ मैं जॉब इंटरव्यूज, तो उससे कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो चुका है. तो वहाँ से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला. लेकिन हाँ, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, अगर आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, इफ़ यू नेवर गिव अप, तो यू कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल. सो वॉट आई बिलीव, मैं जो सोचता हूँ कि कुछ भी पॉसिबल, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं है. एक बात बताओ राहुल, तुमने कहा तुमने ट्रेनर की जॉब करी मेरठ में, राइट? ये कह रहे तुमने, तो ट्रेनर की जॉब छोड़ने के बाद फिर तुमने यहाँ की जॉब इंटरव्यू दी? क्या ट्रेनर की जॉब के इंटरव्यू दिए? कौन से इंटरव्यू दिए? नहीं, ट्रेनर की जॉब के इंटरव्यूज नहीं दिए. मैंने अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए इंजीनियरिंग के अंदर जॉब सर्च करी, मिली, लेकिन उनके अंदर सैलरीज बहुत कम थी, 8,000-10,000. इतने में आप दिल्ली के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते. तो उसके बाद मेरे को जो कंसल्टेंसीज में इंटरव्यूज दिए मैंने, वो मैंने BPOs और कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर्स के इंटरव्यूज दिए, और अल्टीमेटली मेरा विप्रो के अंदर हो गया था सिलेक्शन. मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था 3-4 इंटरव्यूज देने के बाद, और वहाँ पर मैंने 1.5 साल जॉब करी एज अ कॉल सेंटर एजेंट, राइट? तो तुम ट्रेनर थे, तो तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा पैशन क्या है, तो तुम इंजीनियरिंग करी. इंजीनियरिंग के बाद तुमने ट्रेनर की जॉब करी, गोल्ड जिम में जो तुमने बताया. फिर वो छोड़ने के बाद तुम मेरठ से दिल्ली आ गए, दिल्ली के बाद तुमने विप्रो में इंटरव्यू दिया. Exactly. और तुम कॉल सेंटर एजेंट बन गए. वहाँ पर मैंने जॉब करी, वहाँ पर मैंने कॉल्स ली, कस्टमर्स की हेल्प करी ओवर द फोन कॉल्स. और मेरे पास जो एक मेन मोटिव था मेरा, मेरे को ना, जब मैं 10th 12th क्लास में था, या मैं अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी था, तो हर कोई मेरे को बुली करता था, क्योंकि मैं 48 या 50 kg का, 6'1" हाइट पे आप इमेजिन कर सकते हो कि 48 या 50 या 51 kg का भी बंदा कैसा लगेगा, एकदम स्केलेटन के जैसा. तो ये सब मेरे को नाम से बुलाते थे लोग, जो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी अंदर से. और मेरे को लोग मारते भी थे वहाँ पर, जो मेरे क्लासमेट्स थे या बच्चे थे, मेरे को छेड़ते थे मेरे क्लास में या दूसरी क्लास के. तो मैं उनको मारता था, अपोज करता था, लेकिन मैं कमज़ोर था, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा पतला था, तो मैं पिट जाता था. क्या कर सकता था, मैं कोशिश करता था, लेकिन गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि वो लोग मेरे को इतने नामों से बुलाते थे. क्या कहते थे तुम्हें? स्केलेटन, हैंगर, टूथपिक, वही सब जब पतले लोगों को बुलाते हैं. तो तुमने क्या किया फिर, कैसे? वही मेरा मोटिवेशन था कि मैं इन सब लोगों को प्रूव करूंगा, मैं इन सब लोगों को दिखाऊंगा कि मैं
जो आप मेरे को बुलाते हो, स्केलेटन बुलाते हो, हैंगर बुलाते हो, कैसा लगता है, और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैं एक पतला आदमी से मैं एक बेस्ट फिजीक, एक अमेजिंग फिजीक बना सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुमने बना ली वो? अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं पहुँच रहा हूँ उस तक। लेकिन हाँ, मैंने पिछले 2011 जुलाई या अगस्त में मैंने स्टार्ट करा था ट्रेनिंग करना, और 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो 7 साल में मैंने 50 kg से, 50 या 51 से, अभी मैं 30-35 kg ऑफ मसल मास नेचुरली गेन किया है विदाउट एनी ड्रग्स। एक बात बताओ, दिस इज़ मैसेज फॉर ऑल द यूथ, और ये गलत नहीं है, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, मैं सिर्फ थोड़ी एक कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तुम्हारा पैशन फिटनेस है, करेक्ट? तुमने बोला मुझे तुम्हारे को जिम खोलने हैं। एग्जैक्टली राइट। तुमने जब शुरू किया मेरिट में, तुम ट्रेनर ही थे, फिर तुमने, तुम्हें रियलाइज नहीं था कि तुम्हारा पैशन फिटनेस है, करेक्ट? बिकॉज अगर तुम होते तो तुम शायद ये ट्रेनर को कैरी ऑन करते, विच इज़ ओके, मतलब कोई इसमें गलत नहीं है, कभी भी आदमी को रियलाइज हो जाता है। तो तुमने जॉब्स करी, कॉल सेंटर जॉब्स, ये सब जॉब्स, राइट? करने के बाद फिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो, मतलब आफ्टर 6-7 years ऑफ ग्राइंड, ये तुमने जो करा हर जगह जॉब, उसके बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, फिटनेस की जॉब ही मुझे करनी है, मुझे फिटनेस में ही करियर बनाना, ऐसा कुछ है तुम्हारा? बिल्कुल, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैंने मॉडलिंग भी करी है। किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारी अच्छी फिजिक, अच्छी हाइट है, तो मॉडलिंग करो, तो मैं उधर की तरफ चला गया। मेरे पास एक प्रॉपर, एक मेरा सॉलिड पाथ नहीं था कि मेरे को कहाँ जाना है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने कहीं पर सुनी किसी की स्पीच या मैंने कोई कुछ पढ़ा था कि उसमें जो पैशन कैसे पता लगता है, जिसको आप सोते जागते कभी भी, चाहे आप 2 दिन से 3 दिन से सोए ना हो, थके हो, कितने भी थके हो, आप कभी भी उससे बोर नहीं हो सकते और हर समय उस चीज़ के लिए चार्ज होते हो, रेडी होते हो। तो मेरा वो चीज़ क्या है, वो है वर्कआउट और ट्रेन करना, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या बॉडी वेट ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो। तो फिटनेस इज़ माय पैशन। जो मेरे को, मैं बताऊँ पैशन क्या होता है राहुल? तुम फिटनेस की जॉब फ्री में कर लोगे बिना पैसों के? हाँ कर सकता हूँ। दैट इज़ पैशन। पैशन किसी को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ पैशन इन लाइफ, दिस इज़ पैशन। अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलूँ कि यार तुम्हें ना ट्रेनिंग करनी है जिम में, या लोगों को ट्रेनिंग करानी है, बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार इवेंचुअली तो पैसे मिल ही जाएंगे मुझे बिकॉज आई एम सो गुड एट। लेकिन अगर यही जॉब है तुम्हें, ये जो तुम हॉस्पिटल में कर रहे हो, जो इंजीनियरिंग कहीं भी कर रहे हो, तुम करोगे वो? नहीं, वो फ्री में क्यों करूँगा मैं? एग्जैक्टली। सो गाइस, एक ही मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाह रहा हूँ। अगर आपको अपना पैशन नहीं पता, दैट इज़ ओके। अगर आप 100 चीज़ें करते हो, जिन्होंने मॉडलिंग ट्राई करी, इन्होंने कॉल सेंटर में जॉब करी, ट्रेनर करी, फिर छोड़ी, इट्स ओके। देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट, लाइफ इज़ अ जर्नी। अब ये मत सोचो कि यार मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, जहाँ पता लग जाए वो करना। और तुमने मुझे बताया तुम्हें एक इंजरी भी हो गई थी बीच में, राइट? तुम्हारा जो ACL टियर था, वो क्या था? 2017 April, अभी भी डेट मुझे याद है। तो तब मैंने नई कंपनी ज्वाइन करी थी, वो भी एक BPO है, कन्वर्जेस के अंदर। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त, एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस टाइम पे एक गेम था, उसमें उन्होंने एक रबर बैंड जोड़ जोड़ के, बहुत लंबा सा स्ट्रेच करके, एक रोप काइंड ऑफ थिंग बनाया था। तो उसको दोनों एंड्स पे से दो बंदों ने होल्ड कर रखा था, जिसमें हमें जंप करना था। धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ाते जा रहे थे वो। तो उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3.5-3 feet या 4 feet होगी, जो कि ज़्यादा नहीं है मेरे लिए एक स्टैटिक जंप करने के लिए, एक जगह से जंप करने के लिए खड़े होके एक जगह पर। तो मैंने जंप किया, फिर मैं जब लैंड हुआ, पहली बार मैं कूदा, दूसरी बार कूदा, तीसरी बार जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, तो बहुत ज़ोर से क्लिक साउंड आई, जैसे हड्डी टूट गई हो या कुछ तोड़ दिया हो, बहुत ज़ोर से, पूरे आवाज़ में, पूरे कमरे में आवाज़ गूंज गई थी। और बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मेरे को लगा मेरे पैर की हड्डी टूट गई। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट 3-4 महीने में कॉम्पिटिशन्स आ रहे थे, जैसे कि बॉडी पावर और शेरू क्लासिक। तो उसमें टाइम मैंने सोचा था कि यार एक बार, अब मैं इतने टाइम में ट्रेनिंग करते हुए हो गया है, तो मेंस फिजिक में एक बार कम्पीट करके तो देखूँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ने के लायक हूँ कि नहीं, या स्टेज पे मैं जाकर क्या कर सकता हूँ। तो वो मेरा जो सपना था वो टूट गया। मैं अपने ग्रैंडफादर की डेथ पर भी मेरे को बहुत कम आंसू आए थे, क्योंकि वो
बहुत अच्छे से गए थे, लेकिन मैं उस टाइम जब मेरा ये इंजरी हुई, मेरे को इतना ज़्यादा पेन था, मुझे पेन की वजह से रोना नहीं आया, मुझे रोना इस वजह से आया क्योंकि मेरा जो सपना था, जिस चीज़ के लिए मैं ट्रेन कर रहा था, जो मेरे पैशन के लिए मैं ट्रेन कर रहा था, मेरा कॉम्पिटिशन आ गया 3-4 महीने बाद, उसके लिए मेरी जो सारी मेहनत है वो सब बर्बाद हो गई, क्योंकि अब मैं 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक ट्रेन नहीं कर पाऊँगा, और जो भी मैंने इतने सालों की मेहनत से मैंने मसल मास गेन किया है वो सब 1 महीने के अंदर, विदिन 15-20 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा सारा। वो 2 महीने कैसे थे तुम्हारे, जो तुम बेड पे हो गए, जो तुम्हारी इंजरी वाला वो टाइम बताओ। मुझे बहुत अजीब से शुरू के 3-4 हफ्ते तो बहुत बुरे दिमाग में ख्याल आते थे, क्योंकि कि अब मैं क्या करूँगा, अब आगे मैं वैसी अपनी फिजिक बना पाऊँगा कि नहीं, और एक दो बार तो मेरे मन में ये आया कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि क्या सुसाइड करना सही रहेगा, वो तो कायर करते हैं, तो मैं कायर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूँगा क्योंकि मैंने हारना नहीं है। तो क्या पेन क्या थी राहुल, ये कोई तुमसे चला नहीं जा रहा था क्या, पेन एग्जैक्ट पेन क्या, बिकॉज ACL टेयर जो है ना आजकल बहुत कॉमन है, हर इंजरी में हो जाता है आजकल, बहुत नॉर्मल इंजरी है, तो वो पेन क्या था, मेरे ख्याल से तुम्हारी एक्सपीरियंस से लोग सीख जाएं कि उस ACL को क्या होता है। ACL जो टीयर होता है, 2 लेगमेंट्स होते हैं आपकी, जो 2 बोन्स मेन बोन्स होती हैं, टिबिया और फीमर, जहाँ पर आपका नी जुड़ता है, उसके बीच में 2 ऐसे क्रॉस करके 2 लेगमेंट्स जुड़े रहते हैं। लेगमेंट लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊँ, एक रस्सी होती है, तो रस्सी जब टूट जाती है तो उसमें गांठ लगाई जाती है, उसको वापस वो वैसी नहीं बन सकती रस्सी, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको जोड़ा ही जा सकता है, जोड़ आता है उसमें। तो ACL जब टूट जाता है, लेगमेंट टूट जाता है, उसकी सर्जरी होती है। मैंने सर्जरी नहीं कराई, मैंने सही होने के बाद अपना धीरे धीरे ट्रेनिंग करी अपने ही बॉडी वेट से, तो जो मेरी मसल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लेफ्ट नी की, लेफ्ट पैर की मेरे, और उसको मैंने दोबारा से 6 महीने बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और तब मैंने धीरे धीरे उसको ग्रो किया और आगे मैं बढ़ा। और उस टाइम मेरे अंदर ये, जब मैं बेड रेस्ट पे था, कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, मैं बोर हो जाता था, मैं क्या करूं, मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, मोटिवेशन, मेरा मन करता था कि काश कोई मेरे को जिम उठा के ले जाए, क्योंकि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, मैं वॉकर के थ्रू चलता था, और कई बार तो मुझे इस चीज़ पर रोना भी आता था अपने ऊपर, लेकिन फिर मैं अपने आप को शांत करता था, मैं अपने गोल को सोचता था। तो मैं कभी भी आप, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी आप अगर अपने ड्रीम से भटक जाओ, या आपके मन में ऐसे कुछ गलत ख्याल आए सुसाइड करने के, या अब मैं क्या करूँगा, डीमोटिवेट हो जाओ, रिवाइंड करो, वापस जाओ और ये सोचो आपने क्यों स्टार्ट किया था, क्या करना है आपको, तो आपका वो मोटिवेशन कोई और नहीं दे पाएगा, आप खुद ही दे पाओगे, और वो वापस आ जाएगा आपके अंदर, जो मोटिवेशन है, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म, वो सब वापस आ जाएगा, तुम्हारे अंदर आ गया सारा वापस। बिल्कुल, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। तो गाइस, एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो प्लीज़ गांठ मार लीजिए। लाइफ में जैसे आप कोई गाड़ी लीजिएगा, कभी भी गाड़ी लेंगे, अगर सोचे वो सड़क पे नहीं लगेगी, वो तो लगेगी किसी ना किसी दिन, राइट। बॉडी भी ऐसी है, बॉडी भी अगर वो एक तरीके की मशीनरी तो है, अब आप करेंगे कुछ सड़क पे चलने का मतलब, एक्सरसाइज करेंगे, वेयर एंड टेयर तो होगा, इंजरीज तो लगेगी, इंजरी होगी ही होगी, लेकिन हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन इज वो इंजरी के बाद भी खड़ा होता है। लाइफ, करियर, पैशन, वो भी उसकी भी जर्नी कुछ ऐसी है। कईयों को बहुत जल्दी पैशन पता समझ आ जाता है कि पैशन क्या है, कईयों को समझ नहीं आता। अगर आपको समझ आ गया कि आपको लाइफ में क्या करना है, इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग, किसी की इंतज़ार मत कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो जैसे राहुल ने करा, डू डिफरेंट थिंग्स, मॉडलिंग करिए, जॉब्स करिए, तब आपको असली में रियलाइज़ होगा कि आपको लाइफ में करना क्या। अगर तब भी समझ ना, दैट्स ओके, इन्जॉय लाइफ, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट लाइफ इज अबाउट। आई होप आपको राहुल से एक चीज़ तो समझ आ गई कि कभी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी, बिकॉज आप ही की एज का है, यंग लड़का है, यू नो, मे बी इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि ही मे बी एबल टू हेल्प हिज फाइंड हिज विजन, कि उनका विजन समझ आ जाए, विजन क्लियरली उनका फिटनेस है। सो जाते जाते राहुल, आई वांट टू गिफ्ट यू दिस तुम्हारे बर्थडे पे, दिस इज़ एन अमीनो प्रो विद एनर्जी, बट थैंक्स टू 1-to-1 वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। गाइस, मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम, सो यू कैन चेक इट आउट, दिस इज एन ऑसम प्रोडक्ट, आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगा, आई एम श्योर तुम्हारी मोटिवेशन लेवल पे तुम्हें हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल भी बता दो सबको, इफ समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू। सो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं स्पेल करके बताता हूँ, राहुल _indefatigable, तो दैट इज
iamtarungill. थैंक यू. इसका मतलब भी बता दो है मुझे तो. इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो कभी हार ना माने. नेवर गिव अप. That's what you have to be. Kabhi haar mat manna. And to see Rahul's profile, bahut interesting profile hai. Ab main milunga aapko apne next video mein.